हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम अंजनी कुमार तिवारी। माय टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। ठीक, क्योंकि हम बायो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, जिसमें जो टाइप चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट का जो एक्सटर्नल करेक्टर होता है वही क्या कहलाता है? उसका मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी जो लीफ होती है उसका कितने रूपों में रूपांतरण होता है। भाई पत्ती है, जिस तरीके से हमारे अलग अलग पार्ट का रूपांतरण, हमने रूट का रूपांतरण देखा, रूट का मॉडिफिकेशन देखा, उसके बाद फिर हमने किसका देखा था? स्टेम का देखा था। उसके बाद फिर अब बात किसकी करते हैं? हम लीफ की करते हैं, क्योंकि लीफ्स के टाइप भी पढ़ चुके हैं हम। तो आज बात हम किसकी करेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी लीफ का मॉडिफिकेशन किन किन रूपों में होता है। चलिए आइए देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ आर ऑकेजनली मॉडिफाइड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शनिंग अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करती है? लीफ में कई ऐसे भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कई ऐसी भी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि मदद करती हैं अन्य फोटोसिंथेसिस के अलावा जो भी अन्य कार्य होते हैं उनको करने में मदद करती हैं। ठीक, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी लीव्स के पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ वर्क करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। जिनमें देखते हैं क्या होता है, कौन सा कार्य होता है। दीज आर मोस्टली मॉडिफाइड इंटू लीफ टेंड्रिल। ये ज़्यादातर किसमें मॉडिफाइड होते हैं? लीफ के टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं। अब टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल अभी हम स्ट्रक्चर के द्वारा जब फिगर बना के समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ टेंड्रिल हमने देखा है। ठीक है, अभी हो सकता है आपको टेंड्रिल के बारे में उतनी जानकारी ना हो, क्योंकि टेंड्रिल एक नया नाम आ रहा है। उसके बाद जब हम फिगर के द्वारा इस टेंड्रिल को बताएंगे तो उसके बाद आप समझ जाओगे टेंड्रिल यही होता। देखिए क्या होता है, जो हम पहला सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है क्या होता है? होल लीफ टेंड्रिल। होल लीफ टेंड्रिल यानी होल लीफ टेंड्रिल का मतलब क्या है कि पूरी पत्तियों में, पत्तियों का संरचना कैसे टेंड्रिल के रूप में हो जाती है। ये क्या है भाई? टेंड्रिल आर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कभी कभार आपने क्लाइंबर्स में देखा होगा कि उसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, घुमा हुआ एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल कहते हैं। दैट हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप। किसमें मदद करता है? दैट हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, जो कि क्लाइंब करने में किसी अन्य पार्ट्स पर या ट्रीज पर चढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? टेंड्रिल। ओके, दीज आर लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक। ये कैसा होता है, दिखाई कैसे देता है? लॉन्ग मतलब लंबा होता है, सिलेंडर के जैसे होता है। सिलेंडर का मतलब आकृति, सिलेंडर का मतलब कुछ इस तरीके से। ओके ठीक है, ये नहीं कि सिलेंडर के आकार का दिखेगा, भाई सिलेंडर तो ऐसे दिखता है, इस तरीके से ही दिखेगा बस। ठीक, ये नहीं कि जितना बड़ा सिलेंडर होता है उतना बड़ा, नहीं। ठीक है ना, और थ्रेड के जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? धागे की जैसी संरचना दिखाई पड़ती। ठीक है, अब इसको अगर हम देखना चाहें, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एग्जांपल इसका क्या है? पी। पी मतलब मटर। ठीक, जिसको हम पैसिवम सैटिवम कहते हैं। इसका क्या है? ये इसका बॉटनिकल नेम है। क्या है? पैसिवम सैटिवम। ठीक है ना, तो जो पैसिवम सैटिवम होता है इसमें आप क्या देखने की, इसमें आपको मिलेगा टेंड्रिल देखने को मिला है, मिलेगा। कभी आपने खेतों में जाके देखा हो, अगर जहाँ पे कुछ फसल, मटर की फसल जहाँ पे बोई हो, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर सरसों के साथ मटर बोई, अगर मस्टर्ड के साथ मटर या पी जो है हमारी वो बोई हुई है, तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे सरसों के पेड़ पर मटर पूरी चढ़ी हुई होती है, यानी उसके ऊपर क्लाइंब करी हुई होती है ना। किसके कारण क्लाइंब करती है? टेंड्रिल के कारण क्लाइंब करती है। किसके कारण क्लाइंब करती है? इस टेंड्रिल के कारण क्लाइंब करती है। बात समझ में आई? अब दूसरा इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं, लीफ हुक के रूप में होता है। लीफ हुक के रूप में इसका मॉडिफिकेशन होता है। दीज आर क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होता है? क्लॉ मतलब जैसे पंजे टाइप कुछ संरचनाएं इसकी होती है। ठीक है, दे आर परफॉर्म फ्रॉम थ्री टर्मिनल लीफलेट टू हेल्प इन क्लाइंबिंग। इसमें क्या होता है, इसमें थ्री टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं? थ्री टर्मिनल्स होते हैं, जो कि किसी भी स्थान को, किसी भी
पार्ट पे किसी भी स्थान पे चढ़ने में, क्लाइंब करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखें हम तो क्या है, बिग्नोनिया। बिग्नोनिया क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें लीफ हुक पाया जाता है, यानी लीफ का मॉडिफिकेशन लीफ हुक में हो जाता है। तीसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं हम स्केली लीफ। तीसरा मॉडिफिकेशन किसमें देखते हैं हम, स्केली लीफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, लीफ बिकम स्मॉल ड्राई एंड मेम्ब्रेनस। इसकी लीफ कैसी होगी, छोटी होगी, ड्राई सूखी होगी, और मेम्ब्रेनस यानी कई परतों वाली होगी, कई परतों कई लेयर वाली होगी। ठीक, मेम्ब्रेनस मतलब यहाँ पे है कि मोर देन वन आर टू लेयर, ओके, एक या दो से अधिक लेयर उसमें पाई जाएंगे। दे आर नॉन फोटोसिंथेसिस, जो कि नॉन फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें नहीं होता इसके लिए लीफ में। ठीक है, एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन, और मदद किस में करती हैं, प्रोटेक्शन में, यानी सुरक्षा में मदद करती हैं। स्केली लीफ क्या होती हैं, स्केली लीफ होती हैं छोटी सूखी मेम्ब्रेनस एक लीफ होती है, पत्ती होती है। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिनमें नहीं होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। उसके साथ साथ एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में भी मदद करती हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अगर देखें तो रस्कस एक प्लांट होता है, उसमें आप देख सकते हो स्केली लीफ वहाँ पे फाउंड होता है, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, इतना नोट करिए, फिर आगे थ्री मॉडिफिकेशन और है, उनको भी समझाते हैं। इसी में थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, तब उसके बाद नोट करिए। जैसे हमने बताया था आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे टेंड्रिल क्या होता है ना, तो आपने क्या देखा होगा कि कई ऐसे, जैसे आप पंपकिन देखे हो, कद्दू, कुकुम्बर देखे हो, खीरा, उसके बाद गौर देखे हो, लौकी देखे हो, इन सब में क्या होता है, टेंड्रिल पाए जाते हैं। इन सब में क्या पाए जाते हैं, टेंड्रिल पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से संरचना आपको उसके एकदम टर्मिनल एपेक्स पॉइंट पर देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो फैलता चला जाता है, फैलता जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, किसी दूसरे पेड़ पर या किसी दूसरे अन्य पार्ट के अन्य सब्सटेंस के सहारे वो क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता चढ़ता चला जाता है ना। तो ये क्या कारण होता है उसका, टेंड्रिल का ही कारण होता है, जो कि मदद किस में करता है, क्लाइंबिंग अप में, क्लाइंब अप में मदद करता है। ठीक है ना, टेंड्रिल क्या होता है, कुछ इस तरीके की संरचना आप देखोगे, अगर पंपकिन देखे हो, पंपकिन का पेड़ उसमें होता है, उसके साथ साथ आप कुकुम्बर देखिए उसमें भी होता है, उसके साथ साथ अगर आप मटर का देखें तो अच्छी बात है, उसमें भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गार्ड में देखें, लौकी में देखें, उसमें भी होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है, टेंड्रिल पाया जाता है। ओके, चलिए इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम बताते हैं इसके थ्री काइंड्स और। भैया लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अब बात हम करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, अगले मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ मॉडिफिकेशन है वो क्या है, ट्रैप लीफ। ट्रैप लीफ का मतलब क्या है, कुछ लीफ्स ऐसी होती हैं जो कि एकदम ऐसे, यानी एक इस तरीके के डिज़ाइन में पाई जाती है, जो कि जैसे कोई चीज़ ढक्कन टाइप में वो पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक, हम ये कह सकते हैं उन पत्तियों को जैसे ढक्कन, हम किसी बर्तन को ढकने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से ट्रैप लीफ भी होती है, उसी टाइप की। ठीक है ना, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट इंसेक्टिवरस प्लांट। ये अधिकतर किस में पाई जाती है, इंसेक्टिवरस प्लांटों में पाई जाती है। ठीक है, लीफ लेमिना एंड होल लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट। ये क्या करती हैं, इनमें जो लीफ लेमिना होता है, लीफ का जो लेमिना भाग होता है, या फिर पूरी जो लीफ होती है, या फिर पूरी जो लीफ होती है, पेटियोल से लेकर के पूरा आल पार्ट, ठीक, वो पूरा पार्ट किसमें, गेट मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर। किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, पिचर के जैसे, एक थैले की जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, टू ट्रैप इंसेक्ट, क्या करने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यानी क्या होता है, जो लीफ लेमिना या फिर जो होल लीफ होती है, ये मॉडिफाइड किसमें हो जा रही है, थैलेनुमा, एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रही, इसी मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, हम ट्रैप लीफ कहते हैं। इसी मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रैप लीफ कहते हैं। ओके, लीफ लेमिना किसका, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिनका लीफ लेमिना
मॉडिफाइड होता है तो कुछ का होल लीफ मॉडिफाइड होती है। लीफ लैमिना जैसे नेफेंथेस, नेफेंथेस में आप देखोगे क्या होगा, नेफेंथेस में होगा ये कि उसका जो लीफ लैमिना होगा वो मॉडिफाइड होगा, लेकिन होल लीफ किसमें, सरसीनिया, सरसीनिया में जब आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, जो उसकी होल लीफ होती है पूरी होल लीफ उसकी मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, ट्रैप लीफ में। ओके, उसके बाद फिफ्थ हमारा क्या है, स्केली स्टोरेज लीफ, यानी कुछ ऐसी भी लीव्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, स्केली होती हैं और क्या करती हैं, स्टोरेज फूड को, फूड का स्टोरेज करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, स्केली स्टोरेज लीफ में मॉडिफाइड हो रही हैं, ठीक है ना। तो इन ओनियन, अगर हम प्याज में देखें क्या होता है, लीव्स बिकम स्केली एंड स्टोर फूड, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्केली होती हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिए, स्केली स्टोरेज लीफ, इनका मॉडिफिकेशन किस में हो रहा है, स्टोरेज लीफ में मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है। अगली चीज फाइलोड, अगली चीज फाइलोड, फाइलोड क्या होता है, ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, ये भी क्या है, एक तरीके का लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो पेटियोल होता है हमारा, पेटियोल जानते हो भाई, लीफ, लीफ को और जो उसके स्टेम को, दोनों को जो मिलाने की जो बीच की कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, ठीक है। तो जो पेटियोल होती है लीफ की, वो क्या हो जाती है, वो एक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड कर लेती है, और किस रूप में हो जाती है, वो जैसे पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के स्ट्रक्चर में उनका पेटियोल हो जाता है, जब उनका पेटियोल उस स्ट्रक्चर में आ जाता है तो क्या करता है, वो करता है फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, और जब वो फोटोसिंथेसिस करता है इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन किस में हो गया, फाइलोड में हो गया। जब मॉडिफिकेशन फाइलोड में हो जाता है तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन फाइलोड के रूप में भी हो जाता, ठीक है। द पेटियोल ऑफ लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ का पेटियोल जो होता है मॉडिफाइड इनटू, मॉडिफाइड किस में हो जाता है, फोटोसिंथेसिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे फोटोसिंथेटिक लीफ का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह के मॉडिफिकेशन को फाइलोड कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, एकेसिया में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एकेसिया में पाया जाता है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो ये लीफ टॉपिक था, यानी मॉर्फोलॉजी में जो हम लीफ पढ़ रहे थे, ये लीफ आज यहीं पे अब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लोरेंस की, किसकी, इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, जो हमारा फ्लावर होता है उस फ्लावर में जो भी स्ट्रक्चर, फ्लावर के लगने का जो पुष्पक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कुछ फ्लावर ऐसे हैं जैसे कि उनमें फूल कैसे लगता है, जैसे मान लो ये डाली है, इस डाली में पहले इधर नंबर एक फूल इधर लगा, तो दूसरा फूल इधर लगा, तो तीसरा फूल इधर लगेगा, तो चौथा फूल इधर लगेगा, ठीक है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके का पुष्पक्रम पाया जाता है। अगली वीडियो हम उसकी बात करेंगे कि अलग अलग प्लांट में कौन कौन सा और कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है, कई तरीके के पुष्पक्रम होते हैं, उसके बाद उनमें जो कुछ भी होगा आपके सिलेबस में सारी चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हों, इस वीडियो को अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करिएगा, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके जैसे जो भी अन्य बच्चे हैं उनको भी ये सारी वीडियोस प्रोवाइड हो सके। थैंक यू क्लास।